नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले भी वीडियो में आपको देखने को मिल गया होगा कि ये अंदेवरी जो ग्राम सभा है, पोलिंग बूथ यहाँ बना हुआ है। इस पोलिंग बूथ पे जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि मजिस्ट्रेट महोदय से बात हुई है, जो यहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय है और यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है, इन दोनों से बात हुई। कुछ लोगों का तो ये कहना था कि हमने पानी प्रोवाइड करवाया है, और जैसा कि उन लोगों का कहना था कि हमको पानी नहीं मिला। बीएलओ साहब कहाँ हैं अभी? यहाँ बीएलओ साहब। अभी जिस तरीके से सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब से हमारी बात हुई है और आप लोगों को बताया गया है, बीएलओ साहब को भी फोन मजिस्ट्रेट साहब का आया था, मैं वहीं पे खड़ा था। और अगर पानी तक की व्यवस्था चाहे मजिस्ट्रेट साहब हो या बीएलओ साहब हो या फिर प्रधान जी हो या अदरवाइज और कोई हो, अगर वाकई में जिस तरीके से प्रधान जी ने बोला कि भाई वो लोग बारात में नहीं आए हैं कि हम उनकी व्यवस्था कर पाएं, तो दूसरी चीज हमको ये बता दें कि फिर इस भारतवर्ष में जो अतिथि देवो भवा का नारा दिया गया है, जो स्लोगन दिया गया है, जो ये बताया जाता है कि नहीं अतिथि देवो भवा है, तो क्या ये लोग जो बाहर से आके यहाँ सुचारू रूप से मताधिकार का आपके प्रयोग करवा रहे हैं ताकि आप अपना मत अपने हिसाब से अपने लोगों को दे पाए, वो कैसे चरित्रार्थ होगा? बीएलओ साहब यहाँ कहाँ है दिखाओ भाई, कैमरामैन साहब दो लोग हैं, दोनों लोग आइए, नहीं आइए दिखा दीजिए भाई साहब, कैमरामैन साहब दिखाइए उनको। अरे नहीं, क्या नाम है आपका? मत हाँ जी, राधे श्याम जी। और दूसरे बीएलओ है, दिखाओ उनको, बीएलओ साहब को दिखाओ, क्या नाम है आपका? हम नहीं बीएलओ। आप बीएलओ नहीं है? अच्छा, आपकी कोई घर के मेंबर है? चलिए खैर, तो अच्छा महिला है क्या? हाँ। चलिए, तो आप उसका जवाब तो दे सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है बताएं? राधे श्याम जी, क्या लगता है कि कोई आपके घर अगर आ रहा हो तो, जैसे ये आपका घर ही तो है, हाँ हाँ, क्यों अगर आपके यहाँ कोई आ रहा है उसको पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, और अगर आपके मजिस्ट्रेट साहब भी आपको अगर बोल रहे हैं कि चाहे जैसे या कैसे भी करके वहाँ करवाइए, तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती पानी है? नहीं है, पानी तो सुबह से मतलब पिला रहे हैं लोग, जो भी है। कौन पिला रहा है? जो जितने लोग एजेंट हैं या जो भी कार्य, एजेंट कौन है यहाँ पे? अंदर अंदर तीन तीन सफाई कर्मी भी हैं यहाँ, सब पानी पानी सब पानी ही पिला रहे हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि भैया पानी है नहीं, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ कि भैया कोई ला के हमको दे दे पानी, ये बड़ा मुद्दा है नहीं है? तो मंगवाए देंगे, पैसा दे पानी मंगवाए देंगे, पानी नहीं है। मतलब आपके माध्यम से यहाँ, या आपके जो मजिस्ट्रेट साहब हैं इनके माध्यम से, या जो यहाँ के निर्वाचन अधिकारी डीएम साहब हैं उनके हिसाब से यहाँ पानी नहीं आना चाहिए था, पीने वाला पानी? नहीं, 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 पानी पीने वाला आना चाहिए था, आना चाहिए था, व्यवस्था होना चाहिए था। अभी टाइम कितना हो रहा है? 11-12 बजे होगा, देख लीजिए आप ही बताइए कितना टाइम हो रहा है। 12:15 बज रहा है। इतनी भीषण गर्मी है कि आदमी 10 मिनट तक नहीं खड़ा हो पाएगा धूप में, और वो लोग खड़े होके जिस तरीके से वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है, वहाँ खड़े होके ड्यूटी कर रहे हैं, पानी तो जरूरत है ना? कितने देर में उपलब्ध करवा देंगे पानी? अभी 20 मिनट में आ जाएगा। हाँ जी, 20 मिनट। क्या नाम बताए आप? नाम तो बताइए। भाभी लोग बताए जा सकते हैं? अरे भाभी लोग बता दे, बाबू साहब करवा रहे हैं, बाबू साहब मंगाओ तो पानी भाई। आप अच्छा, आप यहाँ कुछ हैं? है भैया, भैया प्रधान है, पूर्व प्रधान है, हाँ वो अपनी व्यवस्था से करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह नाम है हमारा। अभिषेक सिंह साहब जी। जी अभिषेक जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं नहीं, हम अभी वोट डालने आए थे। वोट डालने आए? आपकी गाड़ी आई, हम संयोग से पहुँच गए जी, तो जानकारी हुई। अच्छा, ये मानवता कह लें एक मिनट के लिए, मानवता तो मानवता के दृष्टिकोण से चाहिए। देखिए, आप नवयुवक भी हैं, एक बात हमको बताइए, हम कवर कर रहे हैं बहुत सारी जगह जाके, अब जिस तरीके से बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं पोलिंग बूथ वाले, ठीक है, अब पोलिंग उन लोगों को करवानी है सुचारू रूप से, अगर पानी की व्यवस्था आपके ग्राम सभा में आके उन लोगों को पानी तक नसीब ना हो, तो क्या जाएंगे आपके ग्राम सभा का क्या मजाक उड़ेगा बाहर? बिल्कुल मजाक उड़ेगा, मजाक उड़ने वाली बात ही है। और कितना पैसा पानी में लग जाता है सर? कितना पैसा लग? अगर यहाँ के प्रधान, मैं कह रहा हूँ यहाँ के प्रधान अगर ये कह दें कि वो लोग बारात में नहीं आए हैं, नहीं तो गलत है ये। तो क्या एक बात हम आपके सर, क्या फ्री का पानी नहीं पी सकते? फ्री का मतलब सर? फ्री का मतलब चाचा क्या नाम है? हमारे यहाँ नल लगा हुआ। चाचा नाम क्या है हमारा? सुदर्शन प्रसाद पांडे। पांडे जी, हाँ आप कह रहे हैं जो हमारे बताएं,
यहाँ पर नल लगा हुआ है, ठीक है ठीक है, हम बाटल देता हूँ खाली बाटल, आप नल पे जाइए खूब आराम से पीजिए और चले आइए। अब चाचा एक चीज बताएं आपको, आपके नलका का पानी हाँ नहीं पियेंगे, नहीं सुनिए हम बता रहे हैं, जुकाम हो जाएगा, बात ही नहीं सुन रहे हैं आप। अरे क्या बात सुने, आप नहीं सुनेंगे क्या बात सुने, जब पानी हमारे यहाँ उपलब्ध है, आपको लगता है पानी सही चल रहा है? यार पानी सही है, 120 फुट पर पानी है, पानी शुद्ध नहीं है? पानी शुद्ध है आप तो यहाँ कोई जांच करने वाला तो आया नहीं पानी का। पानी जो हमारे यहाँ उपलब्ध है अभी प्रेजेंट हालत में, उस पानी को अगर वो पी सकते हैं तो नल लगा हुआ है, कोई शिकायत पानी अगर वो नहीं पी पा रहे हैं तब नहीं पी पा रहे हैं तो भगवान जाने खुदा जाने, वो तो जो है सरकार का व्यवस्था है, सरकार जाने। अगर आपके घर पे कोई आ रहा है, हमारे घर पे चलिए हम पानी पिलाता हूँ, हमारे घर पे चल रहा है। ये मान रहे कि आपका पोलिंग बूथ नहीं है? पोलिंग बूथ है लेकिन हम भी पोलिंग बूथ पे एक मील से दूर से आया हूँ। एक मील से प्यास लगी होगी? प्यास काहे को लगी है? नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, हमारा तो घर, हम कहीं चले जाएंगे पी लेंगे। आप बता रहे हैं एक मील दूर से आया? हाँ, एक मील दूर है, पी लेंगे पानी, हमें नहीं प्यास, पानी उसको चाहिए जो बाहर से आया है, उसको पानी चाहिए, उसके लिए व्यवस्था नल क्या है, वहाँ नल पे अगर वो नहीं जा सकते हैं तो उस सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि किस तरह से व्यवस्था वहाँ पर होना चाहिए, इसको देखना चाहिए, और देखने वाला कोई व्यवस्था है नहीं। आज सुनिए, आज वही प्यासा है तब आपको चिंता हो रही है, और जब प्यास नहीं लगी थी उसके पहले क्यों नहीं चिंता हुई इस बात की? हमारे धूप में यहाँ आएंगे पैसेंजर आएंगे और जो हमारे ड्यूटी वाले हैं वो रहेंगे, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, किस तरह से होनी चाहिए, ये कर्ता लोग कहाँ है? अब बात और भी कुछ पूछना है तो बताओ। और हमें नहीं कुछ पूछना है, अब सुन सकते हमें है? कुछ पूछना नहीं है, कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे भी नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे हम तो। आप पानी बात करने लायक नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। आप बात करने लायक नहीं है, आपकी उम्र तो है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं पांडे जी। लेकिन देखिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी ये बोल रहे थे दादाजी, जो भी उनको ज्ञात हो, जो भी उनको नॉलेज हो, पता नहीं है, लेकिन अगर आप एक स्तर तक जाएंगे तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि यहाँ ग्राम प्रधान है, यहाँ बीएलओ है, यहाँ पे जो लोकल प्रतिनिधि हैं, ये सारे लोग ये सब चीजों को देखते हैं और कम से कम वहाँ उपलब्ध कराते हैं। ये इंस्ट्रक्शन चाहे ऊपर का हो, चाहे एक पैसा इनको मिलता हो या नहीं मिलता हो, आपने आम जगह पे आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी है। सिंह साहब अभी आपसे हम बात कर रहे थे, क्या लगता है, जैसे अभी दादाजी बता दिए नहीं पानी मंगा दिया गया है, पानी मंगाए आप तो मतलब अभी आप कुछ हैं यहाँ? मैं वही क्लियर यही चीज इसलिए करना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं है, गांव के नागरिक है, गांव के नागरिक है सिर्फ इसलिए। अब आप देखिए, अभी कुछ देर पहले ऑन कैमरा तो नहीं बोल रहे थे हमारे प्रधान जी, जो यहाँ के बता रहे थे लोग, हम लोग जो बताए कि प्रधान जी वही है, लेकिन वो ऑन कैमरा तो नहीं बोले, लेकिन आप कैमरा जिस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे थे या बता रहे थे कि भाई वो लोग हमारे बारात में नहीं आए हैं इसलिए पानी की व्यवस्था तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने एक चीज और बोला था, मैं आपको क्लियर कर दूं, उन्होंने एक चीज कहा था कि हम 60 बॉटल पानी उन लोगों को दे चुके हैं। अब ये कितना सही है और कितना गलत है ये तो जो यहाँ पे आए हुए कर्मी है वो बताएंगे। और जिस तरीके से कर्मी कह रहे थे कि भाई साहब हम 10 से 15 लोग यहाँ पे हैं और पानी पीने की व्यवस्था शाम से नहीं हुई है, या तो फिर प्रधान जी गलत बोल रहे थे या तो फिर यहाँ के कर्मचारी बोल रहे थे गलत, दोनों में से जो भी गलत हो ये सही नहीं है। फिलहाल ये पानी का मुद्दा है और ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए था, और अभी 12:15 बज रहा है और कल शाम से वो लोग आए हैं तो पानी इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि उन लोगों के पास तक पानी ना पहुंच पाए। फिलहाल जो भी आप लोगों का विचार है जरूर बताइएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।